लक्ष्मण जी अफसोस सीता जी का अभी तक कोई पता नहीं चला। जरा सुनना भाई, ये आवाज किधर से आई? ऐसा मालूम होता है कि कोई दर्द की वजह से पुकार रहा है और आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। चलो शायद यहां से मुझे सुझाव पता चले। अरे भाई गजब हो गया, ये तो महात्मा जटायु घायल बने हैं। देवता हम तो अपनी किस्मत से रुके देते हैं, हम किस जाली झलते करें। भगवान आपकी ये दुर्दशा किस दुष्ट ने इस जगह हमारा एक ही गम था और सच्चा जान था, मगर इस मुसीबत के वक्त में मैं साथ सो रहा है। हमारे घर सवार हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद हो। चलो भाई जंगल से रत्तियां चुनकर लाते हैं
और इनका दान संस्कार कराते हैं। चंडाली तू नहीं जानती,
कि भगवान को तू धोखा दे रही है, नीच भी बजने लगेंगे जबकि पावन राम को संत और साधु को डाके फिर ले लेकर के राम को परंतु भगवान जब पावन है तो नीच का नाम लेने से वो कैसे अपावन हो सकते हैं। दयालु है दया दृष्टि कभी छोड़ डालेंगे, महापावन है वो मुझ नीच को पावन बढ़ा डालेंगे। पहले भगवान तेरे घर आए तो मैं खुश नहीं हो जाएंगे, नीच घर आना भला भगवान को तो फायदा, नीच को जब छूटा तो धर्म क्या रह जाएगा। तो क्या भगवान नीच के कुछ नहीं, पिता है वही सबका और हम सब उसके बालक है, नहीं करते किसी से भेद, वह सबके पालक है। अरे चुप रह, हमें शिक्षा दे रही है कुछ नीच के स्पर्श के कारण मुझे फिर से नहाना पड़ेगा और गंगा जी के घाट पर जाना पड़ेगा। हटे हो जाओगी थे।
मैंने जंगल से बेर लाकर रखे हैं, आप इन्हीं को सत्कार कीजिए। हाँ हाँ लाओ देवी। खाओ प्रभु खाओ नाती थी और अपना रास्ता मुद्दतों से देर चुन चुन कर नाती थी। जहाँ राय लोगों में स्वाद था लक्ष्मण लो तुम भी खा सकते हो। ऐसा लक्ष्मण बात सुनो, तूने मेरा अपमान किया, शबरी के बेर नहीं खाए, क्षत्रिय मन का अभिमान, जब वक्त पड़ेगा खाओगे, अपना जाति का मान किया, भक्ति का दर्जा ऊंचा है, ये तुमने नहीं पहचान किया। अह भक्ति की श्रृंगार देवी ऋषि पुण्य से हमने अनेक बार देखा है, पर तू ऐसे स्वास्थ्य दे कहीं भी देखने नहीं है। आज से भक्ति पूर्ण शबरी तुम्हारी हो गई, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारी हो गए। बात उपकार प्रभु महा उपकार। अच्छा चौधरी अब हमें आगे दीजिए, आपको किस ओर जाना है भगवान। देवी लंका का रावण पंचवटी से हमारी भार्य को ले गया है, इसलिए हमें उसी और जाना है। महाराज यहां से थोड़ी दूर पर कचकिंदा पर्वत है, वह लंका के रास्ते में ही पड़ता है, आप उसी ओर जाइए और वहां के राजा सुग्रीव है, इस घटना का उनसे पता लीजिए। अच्छा देवी हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
शस्त्र किस लिए धारे हो,
इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी बाणा है, क्या कारण बनने फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या पूछते हो महाराज, हम पर्वत के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, सूर्य से बेजार हो रहा अपना कोट पहनाना है, मेरे काटते दिन दर के इसी तरह पर जाना है, साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, क्या पूछते हो महाराज, हम पर्वत के मारे हैं। सोहो हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई है, हो गया क्या ऐसा कारण जो घर से निकले दोनों भाई। राम सीता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे, देखते ही देखते वनों में हमने मेरे हिसाब बिताए थे, कुछ अक्षय से पंचवटी में मेरे राम बुलाए थे, सीता को हर ले गया रावण, बूंद बूंद हम हारे हैं, क्या पूछते हो महाराज, हम पर्वत के बारे में। महाराज हमने अपना संस्थान बताया, पर आपने अपना अभी तक परिचय नहीं बताया। महाराज ना मैं ब्राह्मण हूं ना भिखारी हूं, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्र धारी, मेरा नाम हनुमान है, अमरीक सिंह जी ना, और आज का ये सेवक राजा सुधीर का निरावान है, वह भी आपकी तरह गढ़ के जमाने का सताया हुआ और अपने सगे भाई के हाथों सख्त तंग आया हुआ, उन्हीं के हुक्म से आपका प्रयास से हार जाने यहाँ आया हुआ और ब्राह्मण का भेज बनाया था, अगर आप महाराज के पास तशरीफ ले करें तो आपकी बहुत मेहरबानी हो, मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम आसान हो। हनुमान जी एक एक बात से सच्चाई की बुआ रही है, किससे मालूम होता है कि ना ये सिर्फ बलवान है, वे शास्त्र व्याकरण के भी पूरे विद्वान है, बेशक आदि तो बड़े लायक हैं और हर एक बात में पूरे फायक हैं, इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं गवाना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। महाराज क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है।
आपकी मुसाफिर निवाजी, मेरा सिर आप पर निशान हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। आप मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए और ये बड़ी उदासी क्यों बताइए। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से दो वचन पूरे करने का इकरार लिया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और छोटे भाई भक्त के लिए राजतिलक, मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। और इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी ने साथ आने के लिए मजबूर किया। 13 साल बंदे घूमते घूमते निकल गए। 14 साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। ओ एक दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया और उन्हीं की खोज में चंद्रमन मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद्रोदय हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े ही गोटे ना रही थी। मुझे देखकर उन्होंने कुछ अपने जेवर मेरी तरफ गिरा दिए थे। आप इनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। महाराज जरा तबीयत को संभालिए और इस कब्र का उतर करके अपने कलेजे को नाखून लगा लिए। भैया लक्ष्मण, इन जेवरों को तुम पहचान करो। भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूं और ना इनमें से किसी को पहचान सकता हूं। हां, अगर उनके कोई पांव का जेवर हो तो लाइए, मुझको दिखलाइए, मुझे उसकी अच्छी तरह से पहचान है। क्योंकि जब मैं माता के जन्मों को स्पर्श करता था तो मुझे पांव का जेवर भी नजर आता था। अच्छा, तो इसकी पहचान करो। क्या सीता जी ने कभी ये पहना? बिना शक यह सीता जी के पांव का गहना है। लक्ष्मण धन्य हो, यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की जय निशान लाई है और कष्ट देखने में नहीं आई है। और मैं मुझ कमबख्त का भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई, इस दुश्मनी की कोई वजह तो होगी। जरा पूरा हाल सुनाइए।
उसने मेरा सब राजपाट छीन लिया और मेरी पत्नी को अपनी कैद में कर लिया। हम हर तरह से आपका मददगार है और हर वक्त आपकी सहायता के लिए तैयार है। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे साथी शिकारी की रिहाई के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और उन्हें युद्ध के लिए ललकारो। महाराज जाने को तो मैं तैयार हूं, मगर मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर आप उनकी शक्ति का अंदाजा बतलाएं तो मुमकिन है कि आपका शस्त्र मिटाए। महाराज जब मैं पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर से दो तीन तीन वृक्षों को पार कर जाता है। महाराज और मैं हर दशा में और मैं अब हर समय उसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। जिस तरह किसी भी कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए जैसे कि आप पिछले छह दिनों से ये नंदन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की रामलीला देख रहे हैं, इनमें सबसे पहले कलाकारों का सहयोग होता है जो एक महीना पहले इस रामलीला की रिहर्सल करते हैं। उसके बाद रामलीला कमेटी का सहयोग होता है जो इन कलाकारों को हौसला देते हैं। उसके पश्चात जो आप लोग जहां विराजमान हैं उनका सहयोग होता है, इसीलिए ये रामलीला कामयाब होती है। परंतु उसके बाद एक और संस्था जुड़ी होती है, वो मेरी मुराद प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। और सामने बैठे हुए दो बच्चों का भाइयों का मैं रामलीला कमेटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बलवीर बलविंदर जी पम्मी लोधी परवाले और अमरीक सिंह जी
जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारी रामलीला को हम अपनी रामलीला की तरफ से इनके बहुत आभारी हैं और रामलीला कमेटी की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। प्लीज एक बार जोर बार तालियां मार के इनका स्वागत कीजिए। संदीप लवकर वाले और अमरीश सिंह जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम रामलीला कमेटी की तरफ से एक बार फिर इनका धन्यवाद करते हैं। Thank you.
ज्यादा सिर पर चढ़ता गया। अरे मेरी नरमी की बढ़त है, तुम्हारा हौसला इतना पड़ता गया, तू आगे ले सकती, ले आगे तेरी कमती। साहेब
मुंह से क्या है देना है, कुछ करना करना थोड़ी ना है। मेरा तो एक एक अंग दर्द कर रहा है। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, और इस बार आप ये हाथ पहन लीजिए, देखना महाराज, और अगर अपनी लापरवाही से काम लिया तो मैं मुझे जान से मार देगा और मेरे सारे नशे एकदम से हिसाब देगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही अपनी जान गवाएगा। जो आ गया महाराज, जरा जी
महाराज किसी का क्या दोष, तेरी कन्या तेरे आगे आई। महाराज मेरी तुम्हारी लड़की तो एक अच्छे से दुश्मनी थी, मगर मेरे साथ आपकी कौन सी अदावत थी? अगर सीता की रिहाई के लिए मुझसे दोस्ती डाली है तो ये आपकी खां ख्याली है। जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए दूसरों की जो सबका मोहताज है उससे किसी भी किस्म की मदद की उम्मीद रखना बेवकूफी है। हाँ अगर आप मेरे पास आते तो सीता क्या, अगर मैं चाहता तो उसकी पूरी रानी को रावण समेत एक आग के शहर पर यहीं पर लाता, क्योंकि वो भी मेरे कैद में कई अर्सों से रह चुका है। मगर कुछ देर के भरोसे दरअसल हिमाचल है इस बेचारे की उसके सामने जाए क्या बुला कर है। इसमें शक नहीं, तुम्हारी एक एक बात टूटे हुए दिल से निकलती है, मगर धर्म के असूलों को समझने में आपकी बहुत सी गलती है। छोटे भाई और उसकी स्त्री अपनी बहन और पुत्री इन चारों का दर्जा एक समान है, उनको बुरी नजर से देखना बड़ा ही नीच कर्म है। ऐसे मनुष्य को मार देना पाप नहीं बल्कि धर्म है। अच्छा तो छोड़ दिया, उसका क्या याद करना। मुझे तो अपनी तरफ से पूरी तरह से संतोष है, मगर आपसे एक तहरीर करता हूं कि आप इस रंजित को दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना को मंजूर करेंगे। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, इसलिए मेरी तरफ से आपसे किसी कसम का शक सवाल नहीं। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए और जो बात कहनी है बिना गलत कहिए। जैसे कि मैं सत्य गुनाकार हूं, मैं अंतिम समय में आपके सिर्फ एक बात का खिदमतगार हूं कि सुप्रीम तारा वह अंदर को बिल्कुल ना सताए। सुग्रीव बड़ा समझदार है, मुझे काबिले देती है कि वह हर चीज अपनी किस्म का ख्याल ना करेगा और अपनी भाभी को मां समझेगा। और अपने अंदर पुत्र को अपना बेटा समझेगा। प्राण क्या ही चाहना
यदि तुमने मुझे समझने के लिए बहुत आगे माना है, मगर अफसोस मैं तेरी तबीयत से कोई भी फायदा उठाया, जिसका नतीजा आज मेरे सामने आया। आ आ राम राम माता जी, मैंने बड़ा पाप किया और चंद रोज की जीत के लिए बड़े भाई का घात किया, मुझे माफ कीजिए। बोलिए सियापति श्री रामचंद्र महाराज।